उसके बाद हमने करना है कंट्रोल ऑन, उसके बाद पावर ऑन, उसके बाद रेल क्लैंप रिलीज। जब भी की स्विच पावर ऑन पावर ऑफ ये करते हैं ना तो रेल क्लैंप खुद ब खुद लग जाता है, खुद ब खुद। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं इस साइड पे। अच्छा, इस साइड पे ऑपरेशन का ये सिस्टम है कि इसको हमने इंटरलॉक पे करना है। अगर बकरी लॉक पे होता है ये, पहले लॉक पे होता है ये, इंटरलॉक पे है ना, मैनुअल भी चला सकते हैं, इंटरलॉक को भी, इंटरलॉकिंग भी करना है ना, ऐसी है तो इंटरलॉक पे ही है ना। अच्छा, इंटरलॉक पे अगर हमने रिक्लेमिंग करनी है तो पहले हम बैक वॉश पंप चलाएंगे। अच्छा, ये वाला इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो आगे बकर लगे है ना उनके अंदर लुब्रिकेशन का काम ये देता है। इसको एक बार चलाएंगे या बस चलते ही रहेगा ये? एक दफा चला देंगे ये, कम से कम दो मिनट पहले चलाना होता है रिक्लेमिंग स्टार्ट करने से, बेल्ट स्टार्ट करने से पहले। बेल्ट है नहीं, सिर्फ रिक्लेमिंग स्टार्ट करने से पहले अगर स्टैकिंग हो रही हो तो फिर ये नहीं चलाते, फिर सिर्फ इसी को स्टैकिंग पे कर देते हैं, फिर खाली बेल्ट घूमती है। यही ऑपरेशन है। और इसके बाद हमने चेक ये करना होता है ये लॉकिंग पे लाजमी हो, लॉकिंग पंप ये तो अप डाउन की इसकी वर्किंग है, इसका काम ये हो रहा है यार, ये लॉकिंग का बोल रहा हूं, लॉकिंग पंप का भी बोल रहा हूं, इसका काम कर रहा है। ये जो सीढ़ियां है ना ये अलग हो जाती है। अच्छा, नहीं ये सर ये नहीं होगा,